परिस्थितियां यदि अनुकूल रही तो जुलाई 2023 से मिथिला विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 होगा। कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय तेजी से कार्य संस्कृति में सुधार करते हुए सिस्टमैटिक हुआ है। प्रति कुलपति ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में योजनाबद्ध एवं दूरदर्शी सोच के साथ कार्य चल रहे हैं। विश्वविद्यालय की पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, यह व्यवस्था की जा रही है। हम पत्रकारों, छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं पूरे समाज के सहयोग से नामांकन, परीक्षा एवं शोध सहित सभी शैक्षणिक, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक सुधार करने में सफल हो रहे हैं। हाल में परीक्षा की योजना बेहतर बनी है, तभी हम आसानी से परीक्षा परिणाम दे रहे हैं। एडवांस रिसर्च सेंटर में कई छात्र योगी लैब स्थापित किए गए हैं, जहां पढ़ाई और शोध के कार्यों में शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को सुविधा होगी। बेहतर शिक्षकों के व्याख्यान ऑडियो तथा वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड होंगे, जिसका लाभ देशभर के छात्र उठा सकेंगे। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने जुबली हॉल में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही। कुलपति ने कहा कि यदि परिस्थितियां अनुकूल रही तो जुलाई 2023 से मिथिला विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाएगा। यदि हम सही ढंग से महसूस करें तो पता चलता है कि संस्थाएं जीवंत होती है। इस वर्ष के अनुभवों से हम बहुत कुछ सीखकर अगले वर्ष में और अच्छे कार्य कर सकेंगे। एक ही जगह पर खड़ा रहने से नहीं बल्कि आगे बढ़ने से हमारी सभी लालसाएं पूरी होंगी, क्योंकि रोम एक दिन भी नहीं बसता है। हमें बदलती स्थिति में रहने का अभ्यास होना चाहिए, ताकि हम बेहतरीन बदलावों को आसानी से स्वीकार कर सके। उन्होंने पत्रकारों द्वारा लॉ कॉलेज, WIT, बीएड तथा डिस्टेंस आदि पर पूछे गए प्रश्नों का बेबाक ढंग से स्पष्ट उत्तर दिया। अपने संबोधन में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने नववर्ष 2023 को सबके लिए सुखद होने की शुभकामनाएं देते हुए सभी के स्वस्थ रहने की कामना की। प्रेस एवं मीडिया कर्मियों द्वारा विश्वविद्यालय के बेहतरीन रिपोर्टिंग हेतु धन्यवाद देते हुए कहा कि चालू वर्ष में कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय तेजी से कार्य संस्कृति में सुधार करते हुए सिस्टमैटिक हुआ है। विश्वविद्यालय ने खेलकूद तथा कला संस्कृति आदि क्षेत्रों में भी काफी उपलब्धियां हासिल की है, जिन्हें अगले वर्ष में और भी बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। सारे काम हुए हैं और बहुत नए कामों की सूचनाएं की गई हैं। पुराने जो तरीके थे उसमें काफी सुधार किए गए हैं, इसको हम लोग सिस्टमेटाइज बोलते हैं। बहुत सारे काम जो है हमारे सिस्टमेटाइज नहीं थे, जिसको हम लोगों ने वर्तमान कुलपति के मार्गदर्शन में, उनके विजन में उसको सिस्टमेटाइज किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। काम तो होते ही रहते हैं, स्पोर्ट्स में जो हमारा अचीवमेंट है, एकेडमिक्स में जो अचीवमेंट है, जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में अचीवमेंट है, वो टुकड़ों टुकड़ों में होता है, लेकिन सिस्टम को ठीक करना बहुत बड़ी बात होती है। और इस तरफ विश्वविद्यालय ने विगत दो वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है। और यह वर्ष अंत होते होते मेरे पिता एक वो अपना कार्य संभालेंगे, मेरी देख रेख में कार्य करेंगे। मनोज जी स्वागत। और हम सब लोग मिलकर इस विश्वविद्यालय को एक उच्च श्रेणी का विश्वविद्यालय बनाना चाहेंगे। ये बिहार में ही पूरे देश में इसका नाम रोशन हो। आप लोग, हम लोगों की हर खबरों को अच्छे ढंग से समाज में ले जाएं, लोगों को हमारे प्रति विश्वास बढ़े। ये शिक्षण संस्थान पूरे बिहार। सम्माननीय प्रति कुलपति, सम्माननीय कुल सचिव, सम्माननीय वित्तीय सलाहकार, मीडिया के हमारे बीच आप सब लगभग दो वर्ष से अधिक मुझे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कार्य करते हुआ है। आप सब मीडिया जगत के साथी हैं, विवेकवान हैं, विचारवान हैं, गंभीर चिंतक हैं और समाज में एक आईना दिखाने का काम करते हैं। तमाम सारी बातें होती हैं जो हमें लेसन देती हैं, हमें प्रेरित करती हैं, हमें आगे बढ़ने का उत्साह देती हैं, एनर्जी देती हैं। उन्हीं में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे सामने आती है। हम अगर उसके बारे में सोचते हैं, उस पर गहन विचार करते हैं, तो आगे का रास्ता बनाने के लिए हमें एक मार्ग मिलता है। हमारी पूरी कोशिश इस सवा दो वर्षों में यही रही है
कि ऐसी तमाम सारी बातें जो हमें रिफ्लेक्ट होकर के आई हैं आपके माध्यम से, आपके आईने के माध्यम से आई हैं, उनमें हमने अपने कमियों को ढूंढ करके, अपने उस कमजोर पक्ष को समझ करके उसे कैसे सफल बनाया जाए, इस दिशा में मानित पत्रकार आज बैठक किसी प्रदेश वार्ता या इसके लिए हम लोगों ने नहीं बुलाई है कि आपको कुछ ड्रेस लिख देंगे या कोई हम संबोधन करेंगे। बस यही कि एक साल तक आप लोग अपने कार्ड से आते रहते हैं, विश्वविद्यालय के संबंधित खबरें छापते रहते हैं मेहनत से। अब साल गुजर रहा है, कैलेंडर बदलने वाला है, हम सबों की जिंदगी के एक वर्ष कम होने वाले हैं, तो ये जो सोलर कैलेंडर है जिससे हमारी जिंदगी चलती है, उसमें अंतिम दिन हम यूं ही एक दूसरे से